हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बनाएंगे सभी का फेवरेट वड़ा पाव, बस इसमें एक हेल्दी सा ट्विस्ट देने वाले हैं। हम लोग इसमें बीटरूट ऐड करेंगे। तो फिर हम लोग सबसे पहले मिक्सी में 8 से 9 मिर्च डाल देंगे, फिर 7-8 लहसुन की कलियाँ डाल देंगे, फिर 2-3 छोटे पीसेस अदरक के डाल के उसमें 1/2 चम्मच हम लोग जीरा डाल देंगे, फिर बहुत सारा धनिया डाल के हम लोग इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। अभी हम लोगों ने एक बड़ा सा बीटरूट लिया है जिसको हम लोगों ने पिल आउट कर दिया और किसनी की मदद से उसका किस कर देंगे। एंड देन 4 बॉइल्ड पोटैटोज को हम लोग इसमें मैश कर देंगे। याद रखना कि हम लोगों ने एक बीटरूट के अगेंस्ट 4 बॉइल्ड पोटैटोज को लिया है। उसके बाद अभी हम लोग तेल गरम कर लेंगे कढ़ाई में और फिर उसमें 1 छोटा चम्मच जीरे और 1/2 छोटी चम्मच मौरी डाल देंगे। फिर 5 से 6 करी लीव्स डाल देंगे और फिर हम लोग जो मिक्सचर बना था स्टार्टिंग में मिर्च अदरक लहसुन का, वो हम लोग इसमें डाल के लाइट ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे। और अभी 1 छोटा चम्मच हम लोग इसमें हल्दी डाल के मिक्स कर लेंगे। फिर हम लोगों ने जो मिक्सचर बनाया था आलू का और बीटरूट का, उसको हम लोग इसमें ऐड करके 3 से 4 मिनट हम लोग इस मिक्सचर को हिलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम में। और फिर स्वाद अनुसार नमक डाल के हम लोग इसमें बहुत सारा धनिया डाल के मिक्स कर लेंगे। अभी जो हमारी स्टफिंग है वड़ा पाव की, वो रेडी है। अब हम लोग हमारे वड़ास के लिए बैटर बनाएंगे, जिसके लिए हम लोगों ने बेसन ले लिया है। फिर हम लोग उसमें 1 पिंच सोडा डाल देंगे ताकि जो कवरिंग है वो क्रिस्पी बने। फिर स्वाद अनुसार नमक डाल के हम लोग उसमें पानी ऐड कर देंगे और प्रॉपरली मिक्स करेंगे जब तक उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी नहीं बनती जैसे आप देख सकते हो। अब हम लोग बड़ी कढ़ाई लेंगे और उसमें तेल गरम कर लेंगे। फिर हम लोगों ने जो स्टफिंग से पैटीज बनाई थी, वो पैटीज को हम लोग एक एक करके बैटर में डीप करेंगे और फिर उसको डीप फ्राई करेंगे। जो तेल है वो हमें मीडियम फ्लेम में रखना है और तब तक हमारे जो वड़े हैं वो फ्राई होंगे जब तक वो बाहर से गोल्डन नहीं हो जाते और क्रिस्प नहीं हो जाते। तो आप देख सकते हो कि अभी हम लोगों ने वड़ा को फ्राई करने के लिए डाल दिया, वैसे ही हम लोग सभी को डाल देंगे फ्राई करने के लिए। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस रेसिपी का आइडिया कैसे आया। मेरी मम्मी जो है घर में बीटरूट के पराठे बहुत टेस्टी बनाती है और मुझे वो दही के साथ बहुत पसंद है। तो जब हम लोग खा रहे थे तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी क्यों ना हम लोग इससे बीटरूट वड़ा पाव बनाएं। तो मम्मी ने बोला ठीक है, बना के देखते हैं। और फिर जब मम्मी ने बीटरूट वड़ा पाव बनाया तो इतने टेस्टी बने थे, स्पेशली उसका स्टफिंग जो था वो बहुत टेस्टी लग रहा था बीटरूट की वजह से, एंड बहुत क्रिस्पी बने थे। अगर आपको भी बनाने ऐसे वड़ा पाव तो आप सेम प्रोसेस फॉलो करना। एंड हम लोगों ने तो सोच लिया कि आपसे जब भी वड़ा पाव घर पर बनेंगे तो उसमें बीटरूट ज़रूर डलेगा, बिकॉज बहुत टेस्टी था। तो आप भी अगर इसको एक बार बनाओगे ना तो आप भी डेफिनेटली एवरी टाइम जब वड़ा पाव घर पे बनाओगे ना, आप भी उसमें बीटरूट ज़रूर डालोगे। सो प्लीज़ ट्राई करना। आप देख सकते हो कि कितने टेस्टी लग रहे हैं वड़ा पाव। मम्मी ने इसको प्रॉपरली फ्राई करके प्लेट में निकाल लिया है और अब ये खाने के लिए रेडी है। आप देख सकते हो कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। आप इसके साथ तीखी या मीठी चटनी खा सकते हो। हमारे घर में वड़ा पाव सभी को अदरक की कड़क चाय के साथ और तली हुई मिर्ची के साथ पसंद है। और अभी हम लोग को मम्मी दिखा रही है कि जो वड़ा है वो अंदर से कैसा दिख रहा है तोड़ने के बाद। तो देख सकते हो कितनी सुंदर स्टफिंग लग रही है हमारी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ज़रूर बना के देखना। एंड इस पूरे रेसिपी का जो क्रेडिट है मेरे मम्मी को जाता है, मम्मी ने बहुत ही टेस्टी बनाए थे। और हाँ, सभी को पता है बीटरूट कितना हेल्दी है, फिर भी प्रोबेबली लोग खाना अवॉइड करते हैं। तो वड़ा पाव तो सभी को पसंद है, तो इस तरीके से आप वड़ा पाव में डाल के अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को बीटरूट खिला सकते हो। तो आपको हमारा ये यूनिक और हेल्दी ट्विस्ट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।